कतार में एक समय ब्रज में गई थी, क्योंकि कुंती महारानी जो है वो वसुदेव की बहन लगती है और रोहिणी मैया जो है वो उनकी बहन उनकी भाभी लगती है। तो एक समय रोहिणी मैया से मिलने जब वो ब्रज में गई तब उन्होंने ये दामोदर मैया का दर्शन किया। वहां पे कुंती महारानी कहती है कि मैं तो सोचती थी कि तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन वहां मैंने देखा कि तुम भगवान होते हुए भी मुझे ऐसा जैसा लगा कि तुम सचमुच में डर गए कि नहीं डरे। जब यशोदा मैया आपके पीछे जब छड़ी लेकर के भागी और ना शिवक शिवक करके रो रहे थे, रुदंतम मुह नेत्रम सुगमम विजंतम करांबोज युग्मे न साकाम नेत्रम, बोला ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अभिनय कर रहे हो लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सचमुच में ही वहां पर रंदन कर रहे थे। बोला प्रभु आपको समझना तो बहुत ही कठिन है। यहाँ पर यशोदा मैया को पुनः पुनः कुंती महारानी प्रणाम कर रही है कि वो यशोदा का क्या सौभाग्य होगा जिन्होंने कैसे कृष्ण को जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया और समस्त लीलाओं का दर्शन यशोदा मैया ने किया। मात्र कृष्ण की माँ होने का जो सौभाग्य यशोदा मैया के जो प्राप्त है वो कुंती महारानी उस चीज को वहां पर वर्णन कर रही है, उसकी स्तुति करते हुए वहां लोभ दिखा रही है कि काश हमारे में क्योंकि हमारा भी ऐसा सौभाग्य होता यशोदा मैया की तरफ। क्योंकि जो कुंती महारानी है ये द्वारका की परिकर, लेकिन जो लोभ होता है वो ऊपर की वस्तु का ही होता है। जो वस्तु प्राप्त उसका तो लोभ नहीं होता, जो वस्तु प्राप्त नहीं है लोभ उसका ही होता है। यहाँ कुंती महारानी यशोदा माँ की स्तुति करके बताई है कि वो जो वस्तु है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु ब्रज है, जो ब्रज का जो प्रेम है कृष्ण का वात्सल्य उसकी यहाँ पर महिमा बता रही है कुंती महारानी। और अंत में जो बुआ का प्रेम को देख करके और बुआ की प्रीति को देख करके कृष्ण पुनः द्वारका में जाना स्वीकार करते, और कृष्ण जिनका एक चरण रथ पर था एक चरण पृथ्वी पर वो पुनः लौट करके वापस महल की ओर चले आए। जब कृष्ण महल की ओर चले आए और वहां पर युधिष्ठिर महाराज है वो बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है ये सबका जो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कारण इतने योद्धा मारे गए, मेरे कारण इतनी स्त्री या विधवा हो गई और राज्य में ये सब अव्यवस्था जो हो गई है इस सबका दोषी मैं हूं। युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसे मन में विचार आने लगा क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा है, बड़े ही धर्मज्ञ, उनको किसी भी प्रकार का तो किसी के एक कष्ट को भी वो नहीं देख सकते। युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी है। वहां पर जो कृष्ण है उन्होंने जाकर के युधिष्ठिर महाराज जी को बड़ा समझाया कि देखो सब करने वाला तो नहीं था, सबको मारने वाला नहीं था, हम सर्वस्व प्रभव मतलब सर्वस्व प्रभु थे, सब जगह मैं ही हूँ, मेरे से ही सब हो रहा है, ये सब मैंने ही किया, युद्ध मेरी इच्छा से ही युद्ध हुआ और जिसको मरना था मरे जिसको बचना था बचे, तुम शोक क्यों करते, मेरी इच्छा है तुम आनंद से राज्य करो तो करो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज है उनके जो उनका जो कृष्ण के प्रति अनुज का भाव है, अनुज का भाव है कि ये मेरा अनुज है, इसलिए कृष्ण की बात जो है वो युधिष्ठिर महाराज को इतनी समझ में नहीं आई। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जो भी जोगना आम गांव के सिद्ध, बाकी सब सिद्ध लेकिन घर के बाद समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो विचार करके सोच रहे हैं कि अगर यही बात पितामह भीष्म के मुख से बुलवाई जाए तो युधिष्ठिर महाराज जी को तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि पितामह भीष्म कौन है, इनके पितामह भी है और 12 महाजनों में से एक भी है। जब वो इस बात को वो जब बोलेंगे तब उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि युधिष्ठिर महाराज तुरंत समझ जाएंगे। और कृष्ण सोच रहे हैं कि क्यों ना युधिष्ठिर महाराज जी को पितामह भीष्म के पास में ले जाया जाए, इसलिए वहां पर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को बोलते हैं, बोला भैया अब सभी पांडवों को लेकर के हम लोग पितामह भीष्म का दर्शन करने चलते हैं युद्धभूमि, वहां पर ही पितामह भीष्म सबसे यहाँ पर पड़े हुए थे और अपना उत्तरायण का इंतजार कर रहे। उत्तरायण माने जो ग्रह की ऐसी श्रृंखला बनती है उस समय पर मार्ग खुलते हैं, ये सब विधि है, रास्ते खुलते उस समय पर ही जैसे विधि होती है उस प्रकार उत्तरायण का जो इंतजार करते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक उत्तर और एक अर्थ और बताया उत्तरायण का कि भगवान का ही एक नाम उत्तरायण भी है, उत्तरा के गर्भ में आने के कारण, उत्तरा के गर्भ का आश्रय लेने के कारण भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। तो एक तरीके से जो भीष्म पितामह जो है वो भगवान का ही इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी महारथी पितामह भीष्म आंख बंद करके वहां पर शैया पर लेटे हुए हैं, बड़े बड़े रथी महारथी आते हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं अपना नाम बताते हैं, पितामह भीष्म केवल इशारा करके उनका जो प्रणाम है स्वीकार कर लेते हैं। सब गए, सब रथी महारथी सबने प्रणाम किया,
पितामह भीष्म ने सबका आंख बंद करके अभिवंदन स्वीकार किया। लेकिन जब अंत में कृष्ण आते हैं, जब कृष्ण आते हैं वो प्रणाम करके बोलते हैं, बोला पितामह ये अच्युत था आपके चरण में प्रणाम स्वीकार हो। जैसे सुना अच्युत वैसे पट से कृष्ण पितामह भीष्म आंख खोल देते, क्योंकि कौन आ गए हैं, स्वयं भगवान चले आए, जिनका वो इंतजार कर रहे हैं वही तो चले आए, इसलिए उन्होंने आंख खोल दी, नेत्र खोल करके और कृष्ण का दर्शन किया। और दर्शन करके वहां पर पितामह भीष्म कह रहे हैं, सदा देव देव भगवान प्रतीक्षता, बोला हे कृष्ण मैंने आपका बहुत प्रतीक्षा करी, कितने दिनों से मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब आप दर्शन दोगे, लेकिन अब आप क्या करो, सदा देव देव भगवान प्रतीक्षताम कले वरम या वरिदम विनम, बोला ये जो शरीर है इसको छोड़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बोला प्रसन्न हास अरुण लोच सन, बोला दर्शन मुखा चतुर्भुजन, बोला हे कृष्ण ये जो कलेवर है इसको त्यागने से पहले मैं आपसे अब आपको प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी देर आप मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं शरीर को ना छोड़ दूं आप यहाँ से मत जाना, मेरे सामने ही खड़े रहिए। तो कृष्ण वहां पर उसको स्वीकार कर लेते हैं और कृष्ण वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर पितामह भीष्म का और युधिष्ठिर महाराज जी का एक संवाद होता है, इसमें युधिष्ठिर महाराज जी का जो भी विषाद है, जो भी वो सोच रहे थे कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए, वहां पे पितामह भीष्म ने सब कुछ बता दिया, बोला ये जो कृष्ण है सर्व कारण कारण है, इन्हीं के ही कारण युद्ध हुआ, इन्हीं के कारण जिसे मरना था मरे, काल के भी पिता यही है, काल के काल के सब इन्हीं की इच्छा से होता है, इनकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता, एक पता भी नहीं मिल सकता। जब ये सारी बात बताई पितामह भीष्म की बात तुरंत युधिष्ठिर महाराज जी को समझ में आ गई, वहां पे राज धर्म सब के बारे में, देश धर्म के बारे में सब बताया। और वहां पे बताते बताते पितामह भीष्म कहते हैं कि किसी भी निर्बल पर अगर अत्याचार हो तो हे युधिष्ठिर चुप मत रहना, उसका प्रतिवाद करना, उसका विरोध करना, चुप होकर कभी देखना मत। द्रौपदी भी वही खड़ी और जोर से उसकी हंसी निकल गई, तो पिता फिर वापस से क्षमा मांग करके चुप हो गए। पितामह भीष्म ने मुड़ करके देखा, बोला बेटी आपके हंसने का क्या कारण है, उन्होंने बोला पितामह क्षमा करे कोई भी कारण नहीं है। तब पितामह भीष्म कहते हैं, बोला नहीं, अगर ऐसी सती की कुलवती स्त्री है वो अगर हंसी है तो बिना कारण के नहीं हंसेगी, इसलिए कृपा करके आप कारण बताइए। तब वहां पर द्रौपदी बताती, बोला पितामह जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय तो आप वहीं पर ही थे, लेकिन आपने तो प्रतिवाद नहीं किया, मैं तो आपके पास आई थी प्रार्थना करके लेकिन आपने प्रतिवाद नहीं किया। तब पितामह भीष्म यहाँ पर एक जगत को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक है, जीवन में जो भी किया करके दिखाते हैं उसमें एक शिक्षा है जगत के लिए, इसलिए बोला ना महाजन दीन कटा से पंथा, जिस पथ पे महाजन गए उसी पथ पर हम लोगों को चलना है। इसलिए पितामह भीष्म बता रहे हैं कि मैंने ये दुर्जन दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरा जो चित्त मलिन हुआ, इसी कारण से ये मेरे से जो इसी कारण से मैंने देख लिया, मैं उसका प्रतिवाद ही नहीं कर पाया। मेरा जैसा व्यक्ति जो एक बार प्रतिज्ञा कर ले तो कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, वहां पर मैं चुप गया, ऐसा अन्न का प्रभाव है। इसलिए अब जब मैं शरसैया पर लेटा हुआ हूँ, दुर्योधन के अन्न से जो खून एक एक कतरा करके बोला मेरा खून सब निकल गया, एक बूंद भी अब जब रक्त मेरे शरीर में नहीं है, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ निष्पक्ष होकर के बात बोल रहा हूँ, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ अभी हिम्मत रख के निर्दोष जो भी बोल रहा हूँ एकदम सत्य बोल रहा हूँ, किसी के प्रभाव में आकर के बात को नहीं कह रहा हूँ। तब द्रौपदी भी संतुष्ट हो गई माँ पितामह के वाक्य से। ऐसे करते करते पितामह भीष्म ने सभी के संशय का नाश कर दिया, युधिष्ठिर महाराज वहां पर संतुष्ट हो गए हैं और पितामह भीष्म अंतिम प्रार्थना कृष्ण के चरणों में कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़े ही सुंदर 10-11 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति करी है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है, जैसे श्लोक होते हैं उसकी रचना होती है, छंद होते हैं, अनुष्टुप छंद होता है, ऐसे जो पितामह भीष्म जिस छंद में यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, मैंने सुना था उसने बताया कि छंदों की भी अलग अलग इस्तेमाल होता है संस्कृत के अंदर, मैंने बात को सुना थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोला यहाँ पितामह भीष्म ने जिस छंद का इस्तेमाल किया ये पुष्पांजलि स्वरूप होता है, जब पुष्पांजलि देते हैं उस स्वरूप और उसको उसी तरीके से गाया जाता है। यहाँ पितामह भीष्म बता रहे हैं कि अब मैं किस चीज की पुष्पांजलि दे रहा हूँ, अब मैं स्वयं की ही पुष्पांजलि दे रहा हूँ, जैसे पुष्पांजलि देते ना समर्पित,
इसीलिए जो स्तुति भी कर रहे हैं वो शुरू होती है इति से, कहाँ से, इति मती रूपम इति। और देखा जाता है जैसे हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, अंत में लिखते ना इति से, इति का इस्तेमाल कब होता है, अंत में। लेकिन पितामह भीष्म स्तुति के पहले ही वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इति का, पुष्पांजलि स्वरूप अपने समस्त मन बुद्धि प्राण सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए, और यहाँ पर बड़े ही सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत कुंड में विधूमि। यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इसके तो बहुत साधारण अर्थ भागवत में, लेकिन हमारे रसिकाचार्य ने बड़ा सुंदर अर्थ इसका बताया। पितामह भीष्म कह रहे हैं, कृष्णा अब मैं जा रहा हूं इस जगत से, लेकिन मेरी एक पुत्री है, वो अभी कुंवारी है, और अगर कोई बाप मर रहा हो और उसकी बेटी कुंवारी हो तो क्या वो चैन से मर सकता है? नहीं मर सकता, उसको चिंता रहेगी कि कब मेरी पुत्री की शादी हो जाए तो मैं आराम से फिर सब काम निपट गया, अब मर जाना सही है। लेकिन पितामह भीष्म कह रहे हैं, मेरी पुत्री को अभी कुंवारी है, उसकी तो शादी नहीं है। तो कृष्ण सब लोग वहां पर चौंक रहे हैं कि ये जो बाल ब्रह्मचारी जो पितामह भीष्म है, इनकी पुत्री कहाँ से आ गई, कौन है इनकी पुत्री? वहां कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, बोला पितामह बड़ा सुंदर है, आश्चर्य है आपकी पुत्री है। बोला कौन है आपकी पुत्री? तो वहां पे कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता है कृष्णा। बोला हे कृष्णा, ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि, ये जो मेरी मति है, यही मेरी पुत्री है, और इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। कृष्ण बोले, बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपकी पुत्री में कोई गुण भी है? पता चला कि बस पुत्री है, शादी कर दी, बाद में पता चले घर में घुस के सब अफरा तफरी मच गई, कोई गुण भी है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, वि कृष्णा। बोले, इसकी किसी भी प्रकार की कोई कृष्णा नहीं है, वि कृष्णा है, ये केवल और केवल ये आप ही को पसंद करती है, इसकी कोई भी नहीं इच्छा है। इति मति रूप कल्पिता वि कृष्णा भगवती सात्वत कुंभ में विधुमने दसुतम भगते कचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेक्षि यद्भव प्रवाह। बोला हे कृष्णा, इसकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, एकमात्र आपसे प्रेम करती है, इसलिए मैं इसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। माँ कृष्ण कह रहे हैं, बोला अच्छी बात है, आपकी पुत्री है तो अच्छी ही होगी, और गुण भी आपने बता दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया गुण है, लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि ये पसंद करती है, क्या आपकी पुत्री पसंद करती है कि नहीं, उससे तो पूछ लो एक बार। कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, लड़की से भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि उसको भी ये बर पसंद है कि नहीं, पता चले बिना पूछे शादी कर, उसकी मंजूरी है कि नहीं। तब वहां पितामह भीष्म कहते हैं, बोला प्रभु एक बात बताओ, ऐसा कौन इस जगत में मूर्ख होगा जो आपको प्रेम ना करे, जो आपको प्रसन्न ना करे? इतना सुंदर आपका रूप है, कैसा रूप है? दूसरे श्लोक में कहते हैं, त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रवि कर गो विजय सके रति रस तुम्हें नवद्या। वहां पर कह रहे हैं, बोला हे कृष्णा, आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन को मोहित कर लेने वाला आपका रूप है। तमाल वर्णम, तमाल के वृक्ष की तरह आपका ये वर्ण है, काला काला, बड़ा सुंदर। और जब आप युद्ध करते थे ना, बपुरल कपुला, जो मुकुट से आपके घोड़ाले घोड़ाले केस जब बाहर निकलते थे, और आप जब युद्ध के अंदर युद्ध करते समय, घोड़ों को चलाते समय, परेशान होते समय, इधर उधर चिंता से जो पसीने की बूंदे बहती थी, और जो घोड़े की टापों से उड़ी धूल आपके चेहरे पर जब लग जाती थी, ऐसा लगता था जैसे पाउडर लग गया और रूप सुंदर हो जाता था, इतना सुंदर आपका रूप है। और ये जो आपने ये जो कवच पहना, ये जो सूरज है, तो कुछ भी नहीं है। रवि कर गौर आवरम बदलाने, बोला रवि की जैसे किरणें आपके अंदर से निकलती है, ऐसा प्रकाश आपके अंदर से निकलता है। ये सब दर्शन मैंने किया है, पांडव तो दुर्भाग्य थे जो उधर खड़े थे, सौभाग्यशाली तो मैं था जो सामने से आपका दर्शन कर रहा हूं। यह पितामह भीष्म अपनी बात बता रहे, बोला मेरा क्या सौभाग्य है? युद्ध कर दूर दल जो विधुम्नि विश्व, बोला जब ये युद्ध के अंदर आप अर्जुन को बचाने के लिए
और पांडवों की रक्षा करने के लिए घोड़े को इधर से उधर भगा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, इससे लड़ अर्जुन उससे लड़ अर्जुन, आप तो इधर उधर देखते थे लेकिन मैं हमेशा आप ही को ही देखता रहता था कि आपके हाथ में कैसे चाबुक है और कैसे घोड़े को चलाते हैं और क्या भक्त वत्सलता है, क्या भक्त वत्सलता है आपकी कि जो सारी दुनिया को जो चला रहा है, सारी दुनिया की लगाम जिसके हाथ में है आज उसने एक साधारण से घोड़े की लगाम पकड़ रखी, क्यों, किसके कारण, प्रेम के कारण, क्योंकि ये पांडव कौन है, प्रेमी भक्त भगवान के, बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए सूरदास जी ने बोला ना प्रेम के वश अर्जुन रत सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसीलिए आपने अर्जुन का रथ पकड़ रखा, मैं यहां से दर्शन कर रहा था, अर्जुन का क्या सौभाग्य है, इसलिए हे कृष्णा विजय सते रथ की रस तुम्हें नया बोला, जो विजय का सपा जो कृष्ण है उसी में ही मेरी मति लग जाए, बस ऐसे ही आपसे मैं अंतिम समय में प्रार्थना करता हूं। तब यहां पे प्रश्न उठ गया तो क्या पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि जो पार्थ सारथी कृष्ण है तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, क्या पार्थ सारथी जब कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं क्या वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो पितामह भीष्म तो कौन है, बारह महाजन है, तो यहां तो सिद्ध कर दिया कि भैया ये तो पार्थ सारथी कृष्ण का रूप सर्वश्रेष्ठ है, बस उसी में मेरी मति लग जाए और सब लोग यही लग जाए, बोले नहीं, पितामह भीष्म ने आगे ब्रज की भी स्तुति करी, लेकिन उसके पहले पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बोला आपने मुझे, मेरे लिए, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा मत प्रतिज्ञा, जो आपने प्रतिज्ञा लिखी कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा, आपने मेरे लिए, क्योंकि मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली, जब मैंने सुना कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे मैंने वहां प्रतिज्ञा कर ली, बोला हरि से जो अस्त्र कहा लाजे मां दूंगा तो मैं शांतनु को तो ना कहा, बोला अगर हरि से मैंने अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मां गंगा को लाज हो जाएगी और मैं शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, उठवा कर ही मानूंगा, मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली और आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और पहिया लेकर भागे मुझे मारने के लिए, और कैसे भागे, साधारण नहीं भागे, बोला मैंने देखा जब कृष्ण जब पितामह भीष्म का वध करने के लिए भागे, क्यों भागे, क्योंकि पितामह भीष्म ने उस दिन ऐसा भयंकर युद्ध किया कि कृष्ण को लगा कि आज तो सारे पांडव ही मारे जाएंगे, और पितामह भीष्म जो कि पितामह भीष्म बड़े बलवान है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा बृहस्पति से, बाद में जो युद्ध कला सब परशुराम जी से उन्होंने सीखा, उनके बराबर टक्कर का कोई योद्धा नहीं पितामह भीष्म का, एकदम उत्तम श्रेणी के योद्धा, और पांडव सबको एक एक बार जीवन दान दे चुके थे पितामह भीष्म, और वहां पर पितामह भीष्म जब ये जो युद्ध जिस दिन कृष्ण मारने दौड़े उस दिन ऐसा भयंकर युद्ध किया, कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे कि रोक इसे, रोक इसे, लेकिन अर्जुन जो है वो बोल रहे पितामह पितामह करके नहीं रोक रहे, कृष्ण कह रहे तुम नहीं मारोगे तो इनको तो मरना ही है, लिखा जा चुका है कि इनको मरना ही है, मैं मारूंगा, और कृष्ण जब मारने दौड़े पृथ्वी सब कांपने लगी, कब कब आने लगी पृथ्वी, बिजली चमकने लगी, सब डामाडोल होने लगी, उस समय पर जो कृष्ण का जो पीला पितामह है वो धरती पर गिर गया और कृष्ण पहिया लेकर मारने दौड़े। यहाँ पर विष्णुचरित आपको हमारे टीकाकार बड़ी सुंदर सुंदर बात बताते हैं कि कृष्ण का पितांबर क्यों गिरे है। हाँ, पहली बात तो कृष्ण के चरण घात से पृथ्वी एकदम डगमगा गई, ऐसा लग रहा था कि फट जाएगी प्रलय हो जाएगी, तो कृष्ण वहां से कपड़ा लेकर के कुछ शांति दे रहे हैं, एक प्रकार से तुम्हें शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर का खेल सब शांत हो जाए, तुम विचलित मत हो। और यहाँ पर एक चीज और है, जो जो पृथ्वी है वसुधा देवी, ये कृष्ण की पत्नी भी लगती है स्वरूप में, वो हंस रही है, बोला झूठे रण छोड़ो, और अभी क्या प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, बोला था युद्ध में उठाऊंगा नहीं मैं शस्त्र, और शस्त्र लेके मारने दौड़ रहे हो, जैसे पृथ्वी हंस रही है, हंसते हंसते हिल रही है, इसलिए कृष्ण बोल रहे बोला हंसो मत मुंह पे कपड़ा रख दिया, हंसो मत, बड़ा सुंदर सुंदर कारण, बाकी क्या बोलिए। इसी प्रकार से पितामह भीष्म जब मारने दौड़े अर्जुन आके प्रार्थना करते, बोला आप ऐसा मत कीजिए मैं ही मारूंगा, और जो पितामह भीष्म है वो आगे बहुत बताते हैं कि किस प्रकार आपने ये पांडवों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करा, और जैसा बताया कि जो कृष्ण का जो रूप है
क्या वो सर्वश्रेष्ठ, ये जो विजय का जो सदा कृष्ण है, क्या ये सर्वश्रेष्ठ रूप है? यहाँ पितामह भीष्म ने आगे स्तुति करते हुए कहा, बोले नहीं, बोले आपका ये रूप तो सुंदर है ही, लेकिन जब आप ब्रज में होते हो, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, ललित गति विलास बल गुहास, बोला जब ब्रज के अंदर जो भगवान की रास लीला को पितामह भीष्म स्मरण कर रहे, कि जो दलित गति विलास, ये जो रास लीला है, जिसमें हमने प्रभु जी से रास लीला में श्रवण किया था, कि ये रास का अर्थ ये भी होता है कि इतनी तीव्र गति से होता है कि सोच नहीं सकते, और इतनी तीव्र गति होती है कि कृष्ण के अलावा कोई इतनी गति से रास नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि गोपियों, सभी गोपियों के साथ कृष्ण, लेकिन कृष्ण केवल राधा जी के साथ में, लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि सबके पास में कृष्ण वहां पर उपस्थित है। इसीलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं, जब रास लीला में जब आप गोपी की तरफ देख करके जिस प्रकार से मुस्कुराते हो, जिस प्रकार से नृत्य करते हो, जिस प्रकार से आपकी भाव भंगिमा होती है, वो जो रूप है वो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आपका रूप है। गोपवद्व माने ये जो ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज वनिताएं हैं, उनके साथ में जो आप ब्रज में जो ये सुंदर सुंदर मधुर लीला, जो श्रृंगार रस की जो लीला होती है, उस समय जब आपका जो रूप होता है वो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, लेकिन मेरा वो अधिकार नहीं है, मेरा तो अधिकार है विजय सके रतिरस्तु में अनवद्या। बोला मेरा तो अधिकार क्या है कि जो विजय का सखा जो कृष्ण है, जो पार्थ सारथी जो कृष्ण है, इसी सुंदर रूप में मेरी गति हमेशा हमेशा के लिए लग जाए, और बस इसी इन्हीं चरणों को मैं प्राप्त कर लूं। इन्हीं शब्दों के साथ में पितामह भीष्म बस देखते ही देखते देखते ही देखते वहां पे शरीर का त्याग कर देते हैं। बोला पितामह भीष्म की 12 महाजनों में से एक है, इनकी कथा श्रवण करने से, तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो ये कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा, राम कथा, दुनिया भर की हम कितनी सारी कथा, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये कथा श्रवण करने से क्या होता है? जैसे कल भी गुरु जी बता रहे थे, जैसे तीन गंगा है, बताया ना, भोगवती, मंदाकिनी और भागीरथी जी, तीन लोगों को पवित्र करने वाली वो एक ही गंगा। इसी प्रकार जो कथा है ये भी तीन व्यक्तियों को पवित्र कर देती है, प्रश्न पूछने वाला, सुनने वाला और उत्तर देने वाला जो बोल रहा है, तीनों को पवित्र कर देती है, सबको पवित्र कर देने वाली कथा है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी ये बात को बताई कि जो भगवान की जो कथा है ये इस प्रकार से है कि जो सुने, गाय, समझे, करे, सब का ये कल्याण कर देती है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावनी, रघुवीर पद पातो जमत कर दास तुलसी आवही। क्या बोले? जो सुनत, गावत, कहत और समझत, ये चार बताते, चार जो भी कथा को चार प्रकार से सुनेगा, जिस प्रकार भी जो जाए उसका कल्याण ये कथा करके ही रहेगी, और अंत में वो भगवान की जो चरण मधुकर का मधुकर बन करके भगवान की जो चरण मकरंद का पान वो करेगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे ये तुलसीदास जी की प्रार्थना चरण मकरंद का पान करेगा, उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भी कीर्तन करते ना, आशा करी चरणा का माले सार। कथा सुनने श्रवण मात्र से ये सब फल प्राप्त हो जाता है, ये सब जो गुरु जी से सुना, मेरे को तो आप लोगों के सामने बोलने में थोड़ी झिझक होती है, आप सब बड़े सब पहले से इतना कुछ जानते, मेरा तो सभी साधन भक्ति थोड़ा नहीं, इसीलिए जो सुना गुरु जी से, जो सुनते बहुत दिनों से सुनते सुनते इतना आ गया, सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, जो आप जानते हैं वो हमें बताए, यही बोल करके कभी सुना नहीं क्या उनकी कथा, आधा घंटा वो ऊपर करते हैं, वो आधा घंटा जब बोलूंगा इतनी हो जाएगी। आप कल से बोल दो फिर ज्यादा बार बिल्कुल।
लगा है, नो नो साउंड आ रहा है, वहाँ मैसेज पीछे से आ रहा है। गुरुदेव नहीं है, बिना लगाने के, बिना लगाए साउंड जा रहा है, ये लगाने के बाद वहाँ साउंड नहीं जा रहा है। इसका ना ये कट गया कोने से। द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदु बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री प्रभु जी एवं उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहत की कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम महात्म श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में पिछले बार जब हम बोले थे तो हमारा टॉपिक था द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, कि अच्छे से कैसे मरा जाए, मरने की कला हमें सीखनी है। तो भागवत हमें किस तरह से मरने की कला सिखाती है, ये टॉपिक हमारा लगभग 15 दिन में पूरा होगा। उस दिन हमने भूमिका बनाई थी थोड़ी सी, जिसमें हमने श्रीमद् भागवतम और अन्य अन्य जो पुराण हैं उनके श्लोकों की संख्या को सुना। श्रीमद् भागवतम किस तरह से अवतीर्ण हुआ इस धराधाम पे, आगे बता रहे हैं कि जब भागवतम इस धराधाम पे आ गए तब श्री व्यास देव जी की इच्छा हुई कि मैंने इतने सारे पुराण लिखे और श्रीमद् भागवतम भी इस धराधाम पे आ गई, अब इसको प्रचार कौन करेगा, इसको लोगों को तक पहुंचाएगा कौन। जैसे हमारे गौड़िया धारा में भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्थान रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। तब उनकी इच्छा हुई कि इनका प्रचार कौन करेगा, तब जगन्नाथ जी की शक्ति विमला देवी की कृपा से विमला प्रसाद यानी पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने उनके ग्रंथों का प्रचार किया। उसी प्रकार जब व्यास देव जी की इच्छा हुई तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। और ये श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी के सुख हैं। जब श्रीमती राधा रानी को कुछ श्री कृष्ण से कहना होता है तो वो सुख से कहती हैं और वो सुख कृष्ण को जाके बोलता है, और जब कृष्ण को राधा रानी से कुछ कहना होता है तब कृष्ण सुख के कान में कहते हैं और वो राधा रानी को आगे बोलते हैं। इस तरह से ये दोनों के प्रेम लीला को आदान प्रदान करने का काम करते हैं श्री सुख, जो सुखदेव गोस्वामी बन के आए हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी की इच्छा हुई कि इस जगत में कैसे क्या होता है मुझे भी देखना चाहिए, तो वे जगत में आए। इसमें कथा आती है, जैसे हम लोग सुनते हैं, एक बार की बात है, भगवान भी कहते हैं उनको शिव जी, भगवान से महादेव जी का विवाह हुआ और सती जी के साथ अपना बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान वो महादेव जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी माता सती को पूछते हैं कि हे देवी, आपका जीवन तो ठीक चल रहा है ना, वो कहती हैं हाँ नारद जी सब ठीक चल रहा है। बोले दोनों लोगों में पति पत्नी में किसी तरह का कोई कलह तो नहीं है, बोले नहीं, बोले किसी तरह का कोई भेद तो नहीं है एक दूसरे से, कुछ छिपाते तो नहीं है, बोले नहीं मैं उनको सारी बात बताती हूँ और वो भी मुझे सारी बात बताते हैं। तो उन्हें अच्छा, बोले ठीक है एक बात बताओ, क्या शिवजी से तुमने कभी पूछा कि शिवजी के गले में जो माला है मुंडों की वो क्या है,
तो कहे नहीं ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा वो भी इतने चतुर हैं, मैंने उनसे पूछा नहीं और उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं, ठीक है आने दो आज। नारद जी फटाफट आग लगा के चले गए। उसी समय महादेव जी आए तो स्त्रियों का एक शस्त्र होता है बहुत बड़ा, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना तुनक जाना, तो वही स्थिति। जब जो लोग गृहस्थ में रहे उनको अनुभव होगा कि जब पति बाहर से आता है शाम को या दिन में जब भी, और पत्नी थोड़ा सा उसका मूड बदला हुआ होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ आज कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उससे पूछता है। तो महादेव जी आए वो समझ गए हाँ देवी का आज मूड कुछ गड़बड़ है। उनके देवी क्या हुआ, बोले कुछ नहीं मैं तुमसे बात नहीं करती। महादेव जी ने पूछा देवी क्या नारद जी आए थे, बोले हाँ नारद जी आए थे, बोले हाँ फिर तो हुआ है गड़बड़ कुछ। उन्हें अच्छा, जब फिर भी महादेव जी ने पूछा देवी बताओ तो बात क्या है। पार्वती सॉरी सती जी बोली अच्छा आपने आज तक मेरे से, मैंने आपको सारी बातें बताई और आपने मेरे से छिपा के रखा। बोले क्या छिपाया बताओ तो सही, पूछो तो सही। बोले अच्छे को बताओ आपके गले में जो मुंडों की माला है ये क्या है। बोले देवी पार्वती वो सती इस लफड़े में मत पड़ो, इसको मत जानो। बोले ना आपको बताना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है, ये जो है ना मेरे गले में ये तुम्हारे सिर है, तुम इतनी बार मर चुकी हो तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि तुम जब मरती हो तो तुम्हारा जो मुंड काट के मैं अपने गले में टांग लेता हूँ। तो सती जी बोले इतना प्रेम करते हो। बोले हाँ। तो बोले अच्छा एक बताओ महादेव जी मैं मरती रहती हूँ और आप जिंदा रहते हैं, आप क्यों नहीं मरते हैं। तो महादेव जी बोले देवी क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। तो देवी सती पूछ रही है अच्छा वो अमर कथा मुझे ही बताओ। बोले नहीं तुम्हारा उसमें अधिकार नहीं है, तुम उसको सुन नहीं सकती। बोले नहीं प्रभु आप कुछ भी हो जाए मुझे अमर कथा सुनाइए। तब वो कहते हैं महादेव जी ठीक है, उसको सुनने के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, अमर कथा सुनोगी तो तुम जब मैं सुनाऊंगा आंखें बंद करके सुनाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम जग रही हो सो रही हो, तो तुम्हें पहली बात नींद नहीं आनी चाहिए और तुम्हें हूं हूं की आवाज करते रहना है जिससे कि मैं समझू कि हाँ तुम जाग रही हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब जब शिव जी अमर कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, तीसरा नेत्र खोला तो वहां के आसपास के जितने पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी थे सब भाग गए वहां से, वहां कुछ नहीं बचा। वहीं पे क्या था, एक तोती ने बच्चा दिया, अंडा दिया था, तो वो अंडा वो तेज से शिव जी के अंडा फट गया और उसमें से बच्चा निकल गया छोटा सा। अब वो बच्चा वहीं एक पेड़ पे बैठा हुआ है। अब जब शिव जी ने कथा सुनानी शुरू की, देवी पार्वती कथा सुन रही हैं, उम्मीद है कथा का थोड़ा सा ही पार्ट हुआ होगा, उसी देर में माता पार्वती तो सो गई, सती जी जब सो गई तब थोड़ी देर में वो सुख तो मतलब साधारण नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है तो उन्होंने तो कथा सुननी थी, तो वो आवाज देने लगा। जब भी बात होती कुछ टॉपिक उठता हूँ 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 की आवाज, सुखदेव जी दे रहे हैं। तो महादेव जी की जब आंख खुली मतलब कथा पूरी हुई अमर कथा, अब देखे पार्वती तो उल्टी पड़ी हैं, बोले बोले ये क्या मतलब, मतलब सो गई हैं, मतलब भाव को समझो थोड़ा। जब सो गई तो उन्होंने कहा देवी हे देवी, शिव जी ने उनको उठाया, बोले ये क्या तुम तो सो रही हो, फिर ये हूं हूं की आवाज कौन दे रहा है। तब शिव जी ने ध्यान लगाया कहां पे कौन है, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सुख पक्षी है वो उस कथा को सुनते सुनते और हूं हूं कर रहा था। शिव जी को क्रोध आया, शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया और सुख के पीछे पीछे भाग रहा है त्रिशूल। उसी समय क्या हुआ, वो सुख पक्षी उड़ते हुए जा रहा है, थोड़ी दूर जाके जब पहुंचा तो वहां पे श्री व्यास देव जी की पत्नी जिनका नाम कहीं कहीं बिटका सुना है लेकिन मैंने जो सुना है वो अरण्य सुना है, हो सकता है मतभेद हो सकता है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। लेकिन उसमें किसी वक्ता कोई वक्ता अरण्य बोल रहे थे, किस प्राण से बोल रहे मुझे नहीं पता। तो अरण्य देवी वहां पे खड़ी, उन्हें उसी समय जमुआई आई और उन्होंने
सुखदेव सुख पक्षी ने मौका देखा और वो उनके मुख में प्रवेश करके उनके हृदय में पहुंच गया अरण्य देवी के। शिव जी पीछे पीछे चले आ रहे हैं, त्रिशूल तो शांत हो गया। शिव जी पहुंचे व्यासदेव जी दरवाजे पे, हे व्यासदेव जी आपके घर में हमारा चोर आया है। तो व्यासदेव जी ने कहा कैसा चोर? बोले हमने अमर कथा सुनाई थी पार्वती जी को, पार्वती जी को तो नींद आ गई तो वो कथा सुख पक्षी ने सुन ली, वो सुख पक्षी आपके पत्नी के घर में चला गया है। तो व्यासदेव ने कहा शिव जी आप बुद्धिमान है मूर्ख हैं? आपके पास दिमाग नहीं है इतना कि आपने, आप कह रहे हैं कि अमर कथा सुन ली उसने, जब अमर कथा सुन ली तो उसको साक्षात भगवान नहीं मार सकते, तो आप उसको मारने की कैसे योजना बना रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। शिव जी ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। बोले हाँ। बोले ठीक है अब मारने का विचार छोड़ दो। बोले ठीक है। फिर शिव जी वहां से वापस चले जाते हैं। फिर व्यासदेव जी की पत्नी अरण्य के गर्भ में वो सुखदेव गोस्वामी, कहीं कहीं वर्णन है 12 वर्ष और कहीं कहीं वर्णन है 16 वर्ष, तो हम लोग 16 वर्ष को ही लेके चलते हैं। तो 16 वर्ष माँ अरण्य के गर्भ में रहे। इस तरह जब बहुत समय हो गया तब व्यासदेव जी ने उनसे कहा भाई बहुत दिन हो गए माँ को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, बाहर आओ। तो अंदर से आवाज दे रहे हैं नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि बाहर माया है और माया मुझे पकड़ लेगी। व्यासदेव जी कह रहे हैं चिंता मत करो मैं तुम्हें माया से बचाऊंगा। बोले अरे तुम क्या माया से बचाओगे, तुम तो खुद माया में फंसे हो, तो मुझे क्या खाक माया से बचाओगे। तो व्यासदेव जी बोले झंड हो गए, बोले यार ये तो बात तो ठीक है मतलब अरे मत, थोड़ा उनको मतलब महसूस हुआ, मतलब अच्छा महसूस नहीं हुआ, थोड़ा बुरा लगा। बोले ये तो हमको ही, मैंने अच्छा ठीक है तो जिसकी वजह से तुम इस गर्भ में आए हो उनको अगर लाया जाए तो क्या तुम सुनोगे। तो इस तरह से भगवान को वहां उपस्थित किया जाता है। भगवान आते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि सुखदेव जी अब माँ के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारा समय हो गया है, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें भगवान की माया जो है संसार की मोहित नहीं कर सकेगी। इस तरह से भगवान आश्वासन देते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी माता अरण्य के गर्भ से बाहर आते हैं और बाहर आते ही ना माता जी को देखते हैं ना पिताजी को देखते हैं, कौन कहाँ है कैसा है, तुरंत उसी अवस्था में जैसे हैं नंग धड़ंग जंगल की ओर चलते हैं। जब जंगल में चले जाते हैं व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन उनको सुन भी नहीं रहे हैं। इस तरह से जब जंगल में चले गए व्यासदेव जी वापस आ गए। व्यासदेव जी को बहुत दुख हुआ कि जैसे तैसे तो हमारे भागवतम का प्रचार करने के लिए एक पुत्र हुआ था वो भी जंगल में चला गया, अब कौन करेगा। तो व्यासदेव जी काफी प्रयासों के बाद उनके जो शिष्य लोग होते हैं उनको जंगल में भेजते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के लिए, कुछ श्लोकों के माध्यम से वो अपने पास बुलाते हैं। उसका सुखदेव गोस्वामी घर में आकर फिर कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जब पहले शिष्य को उन्होंने भेजा भगवान के रूप का वर्णन किया, दूसरे को भेजा भगवान के गुणों का वर्णन किया, जब सुखदेव गोस्वामी वापस आए तो उन्होंने देखा ये गुरु तो हमारे पिताजी हैं। बोले तो अच्छी अच्छी बात क्या होगी, घर में ही गुरु मिल गया। तो इस तरह से उन्होंने फिर सारा भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव जी से लिया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने आगे किस तरह से श्रीमद् भागवतम का वर्णन परीक्षित महाराज के सामने किया और किस तरह से हम आगे इसमें मरने का कला सीखेंगे, आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वांछा कल्प रूप इसके पास जब बोलो ना एक शब्द मत बोलो उसको हंसी आ जाए, जैसे व्यास देव शंकर जी को कभी इस शब्द तक तो नहीं बोल सकते, आप समझ ले आप सचमुच से बोले हो इस शब्द से बोले जैसे कोई ये नहीं शंकर जी। हाँ बोलो कोई बात नहीं, बोलो अपने अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो है ना शब्दों को कुछ करना सुनते नहीं है, जो है जो सब बार बार बोलने पड़ता है तो जो है ना वो सब गिर जाता है।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री त्रिदंडी स्वामी परिविराजाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदान किधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के श्री चरणों में यथोज्ञ मेरा प्रणाम। आज प्रभुपाद के अंतिम सन्यासी शिष्य शिला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। वैष्णवों की आविर्भाव और तिरुभाव तिथि हमारे लिए परम ही परम कल्याणकारी है। जैसे भगवान का आविर्भाव और तिरुभाव होता है वैसे ही वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव होता है। उनका इस जैसे साधारण जगत में जन्म और मृत्यु होता है इस तरह से नहीं होता है, वो हमेशा और सदैव नित्य विराजमान हैं। जैसे भगवान जगत में अवतरित होते हैं लीलाएं करने के लिए, जैसे और अनेक अनेक कारण हैं भगवान के अवतरित होने के, जैसे गीता में बताया यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी भक्ति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अपने भक्तों का पालन करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में अवतरित होता हूँ। इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है। परंतु जब भगवान का अवतार होता है, जो भगवान लीलाएं करते हैं, उनका आचरण करने से हमें हमारा अनिष्ट ही होगा, उनका आचरण करने से हमारा मंगल नहीं होगा। जैसे कि भागवत में बताया है नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर ही अनिश्वर विनश्यति आचरेत मोड्याद यथा अरुद्र अवधिजम विषम, के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं भगवान के जैसे, उनका मतलब भगवान ही हैं, उनका आचरण करने से हमेशा अमंगल ही होगा। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से विष निकला, परंतु इस विष को कौन पिए ये प्रश्न हुआ। तब शिवजी के लिए आया, शिवजी कौन है, वैष्णवान्याम वैष्णवानाम यथासंभु, जो वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जो है उस विष को पिया और अपने उस विष को जो है अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। परंतु उन्होंने जो उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, परंतु अगर हम उस विष को पीने जाएं क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जो है वैष्णव जगत में आते हैं और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी आचरण और शिक्षा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसका आचरण करने से हमारा मंगल ही होता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी के अंतिम सन्यासी शिष्य भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का जन्म मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत दुर्मुठ नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते थे, बाद में स्थानांतरण के जगह स्थानांतरण हुआ तो वो जो है मेदिनीपुर चले गए। और इनका जन्म जो है 1913 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था पद्मलोचन पंडा और इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। इनकी जो माता जी थी वो शिल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की शिष्या थी। जिस समय ये गर्भ में आए भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी, उस समय इनकी माता जी
क्या होता था, कृष्ण के दर्शन करती थी, उनकी लीलाओं के दर्शन करती थी स्वप्न में। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इनके पिता ने इनका नाम रखा सर्वेश्वर पंडा। इनके अंदर सारे वैष्णवोचित गुण विद्यमान थे, भगवान की लीला कथाओं में सुनने की उत्कंठा और सदाचार संपन्न और सारे गुण वैष्णवोचित गुण के अंदर विद्यमान थे। एक बार इनके माता पिता जो हैं इनको हमेशा ही जो है भगवान की लीलाएं कथाओं का श्रवण कराते थे और इनको अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे और इनको ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देते थे, इनको गृह त्याग करने की शिक्षा देते थे। कोई साधारण जगत में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ना तो गृह त्याग की शिक्षा देगा और ना साधु संग करने की शिक्षा देगा साधारण जगत में, परंतु इनकी माता जी रूपाल जी की शिष्या थी, उसके कारण इनको जो है हमेशा साधु संग और गुरु ग्रहण इत्यादि की शिक्षा इनको प्रदान करते थे। जब इनको ये सब पता लग गया तो इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में गुरु अन्वेषण की लिए चल पड़े। अपने घर से जब चल रहे थे तो ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन में जब बैठे तो इनके पिता के परम बंधु इनको मिल गए, उन्होंने इनको पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बताया कि मैं गुरु जी के अन्वेषण में जा रहा हूँ। वो बोले कि घर जो है वापस चलो आप, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बोले नहीं, मैं अब घर वापस नहीं जाऊँगा, मुझे गुरु की खोज करनी है, उनका आश्रय ग्रहण करना है। तो इतनी बात कहकर के ये वहाँ से पुरुषोत्तम धाम पहुंचे। वहां इन्होंने एक पंडा के घर में आश्रय ग्रहण किया। एक समय समुद्र स्नान करके वापस आ रहे थे, उस समय प्रूपाद जी जो चटक पर्वतन मठ है पुरुषोत्तम मठ, उस समय वहां पर ही निवास कर रहे थे। तो प्रूपाद जी के शिष्य भक्ति प्रसून बोधायन गोस्वामी महाराज जी उस समय भिक्षा कर रहे थे, तो इनकी भेंट उनसे हुई और उन्होंने इनसे पूछा, इनको उन्होंने जो है उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने इनसे पूछा कि कैसे ऐसे आपका आगमन हुआ इधर, तो इन्होंने सब कुछ जो था वो इनको बता दिया। उसके बाद इनकी ऐसी उत्कंठा को देखकर, गुरुजी के अन्वेषण गुरुजी की खोज की साधु संघ की उत्कंठा को देखकर उन्होंने इनको अपने मठ का पता बता दिया। ये उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं पे और वहां चले गए पुरुषोत्तम मठ में। वहां जाकर इन्होंने प्रूपाद जी की जो कथा सुनी, उनकी कथा सुनकर के इतने प्रभावित हुए कि उसी समय सब जो इनके अंदर गुण थे सब उनको धीरे धीरे वहां पे उनको सेवा में लगाया, गुरु वैष्णव की सेवा में लगाया। जब महाप्रभु की आविर्भाव स्थिति महाप्रभु की आविर्भाव तिथि उपस्थित हुई तो प्रूपाद जी ने इनके सेवा को देख करके, नियम निष्ठा को देख करके इनको जो है हरिनाम महामंत्र और दीक्षा सब कुछ इनको उसी समय प्रदान कर दिया एक ही तिथि में, और इनका नाम दिया सर्वेश्वर ब्रह्मचारी। पहले इनका नाम था सर्वेश्वर पंडा। उसके बाद ये जो है वहीं पर सेवा करने लगे, इनको मंदिर की सेवा प्रदान कर दी। एक समय क्या हुआ, गया में एक मंदिर था रूपा जी का, वहां पर कोई सेवक नहीं था और वहां के लोगों ने जो है कुछ एक राज संप्रदाय करके कोई संप्रदाय था वहां पर, उन्होंने जो है सब कुछ वहां का बंद करा दिया, भिक्षा विक्षा सब बंद करा दिया। तो प्रूपाद जी कहने लगे वहां के सेवक के लिए, वहां सबको बोलने लगे लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये उनके मन की सुखी करने के लिए इन्होंने कह दिया कि मैं वहां जाऊंगा। ये वहां गए, वहां जाकर के इन्होंने अपने इनका जो है शास्त्र युक्तों के द्वारा सबको जो है परास्त कर दिया और वहां
सेवा व्यवस्था अच्छे से चलने लगी। तो यहाँ पर एक विचार है कि गुरुदेव अगर हमें कोई भी आदेश देते हैं तो वह हमें उसको पालन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया और वो उसको अच्छे तरीके से संपन्न कर पाए। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है जो वहाँ सब सेवा कर पाए अच्छे से। और इनकी एक दो लीला का मैं वर्णन करूँगा क्योंकि समय हो चुका है काफ़ी। एक बार क्या हुआ, जब इनका संन्यास नहीं हुआ था तो एक महान ज्योतिषी, ये दो ब्रह्मचारी थे उस समय, एक और थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो उनकी मुलाकात हुई उनसे ज्योतिषी की। उस ज्योतिषी ने इनका हाथ देकर बोला कि आप दोनों के भाग्य में विवाह का योग है, इनके हाँ और एक ब्रह्मचारी और थे, दोनों के आप दोनों के भाग्य में विवाह का योग है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी जब इनको संन्यास देना चाहते थे परंतु ये जो है इनको इस बात से जो है थोड़ा भय था कि मेरा तो विवाह हो जाएगा तो मैं संन्यास कैसे ग्रहण कर सकूंगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी एक समय एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देकर के बताया था कि आपके भाग्य में जो है विवाह का योग है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसके सारे भय दूर हो जाते हैं। भगवान का एक नाम क्या है, अभय, जो सबको अभय प्रदान करते हैं। तब इनको बताया कि जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे आपको किस प्रकार का भय है। फिर इस प्रकार जो है प्रभुराज जी ने इनको संन्यास दिया। यहां पर एक पंक्ति बताते हैं, एक लाइन है, कृष्ण भक्ति यदि हवे बलवान विधिर कलम काटी करे खान खान। कि जिसकी कृष्ण भक्ति बलवान है उसका जो है भाग्य का लेखा जोखा सब खत्म हो जाता है। कृष्ण भक्ति तो है ही बलवान, अब यहां पर बोले कृष्ण भक्ति यदि हवे बलवान विधिर कलम काटी करे खान खान। कृष्ण भक्ति तो पहले से ही बलवान है, फिर किसके लिए बोल रहे हैं कि जो करने वाला है ना, अगर वो कृष्ण अगर जो वो कर रहा है भक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तो उसकी जो है भाग्य सब बदल जाता है। और जो प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण कर ले, भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले, फिर उसको किस बात की आवश्यकता है, किसी भय की आवश्यकता है। इस प्रकार ये एक घटना है। एक दूसरी घटना एक और बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं समाप्त कर दूंगा। एक समय एक नया नया सन्यासी, उसने जो है एक सभा चल रही थी तो उसमें उसने बहुत अच्छी इंग्लिश में कथा बोली, शास्त्र के श्लोकों के माध्यम से बहुत सुंदर कथा बोली। उसके बाद प्रसाद हुआ तो प्रसाद के समय प्रभुपाद जी के शिष्य भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज वो उनकी प्रशंसा करने लगे। भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज जी वहां पर विराजमान थे, उन्होंने तुरंत उसका उसी समय जवाब दिया कि अभी अभी आया है और आप इसको मारना चाहते हो, कि अभी अभी भक्ति मार्ग में आया आप इसको मारना चाहते हो प्रशंसा करके। अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छी कथा बोल लेता है, अच्छी कथा बोलना सीख जाता है तो वैष्णव लोग उनको प्रशंसा कर देते हैं तो उसको क्या होता है, अहंकार हो जाता है कि मेरे तो वैष्णवों ने प्रशंसा कर दी, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे सामने सब बेकार हैं। इस तरीके से उसको अहंकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अभी ये नया नया आया है और आप इसको प्रशंसा करके मारना चाहते हो। इस प्रकार उन्होंने बोला कि इस तरीके से जो है कोई नया नया कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, इस तरीके से उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे उसने कितनी भी अच्छी कथा बोली हो। दूसरा विचार यह है कि उसने कथा जो बोली है उसका उसमें कितना प्रवेश है। कथा तो उसने बहुत अच्छी बोली, शास्त्रों के प्रमाण दिए, गुरु वैष्णव के प्रमाण दिए, परंतु उसका उसमें कितना प्रवेश है यह भी तो जरूरी है। कथा तो कोई बोल सकता है, कितनी भी सुंदर बोल सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश कितना है उसका, यह भी जरूरी है। उन्होंने ये बात बोली उनसे कि इस तरीके से जो है
ऐसे किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए इतनी। और अंत में क्या हुआ, वो जो सन्यासी था उसने घर जाकर के बाद में शादी कर ली, तो यही उसकी प्रशंसा का फल मिला। बस मैं इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवेश कृपा संदेव पतिता नाम पावने को वैष्णव नम बोले भक्ति विचार यावर गोसाई महाराज जी की जय। तद्य शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया और इतना सुंदर प्रश्न था, जो प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बोले बरियान असते प्रश्न, बोले तुम्हारे जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते इतना सुंदर प्रश्न बोले आत्मबीत सन्मत पुंसान, जिसको बड़े बड़े आत्मबीत लोग भी जो तुम्हारी सराहना करेंगे, तुमने जो प्रश्न किया है उसका जो उत्तर हम लोग ने श्रवण किया था, कैसे जीव को ये मानव शरीर तब प्राप्त होता है, ये दुर्लभ शरीर भगवान दिए हैं, बोले क्यों दिए ये मानव शरीर ठाकुर किसी लिए दिए, बोले आए थे हरि भजन को कोटन लग के पास, आए थे किसी लिए, बोले आए थे हरि भजन को, लेकिन इधर आकर के उल्टा काम में लग पड़े, जिसको भगवान राम क्या कहते हैं, बोले साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा, साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, ते बोले हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर किया है, बोले साधन धाम, मतलब 84 लाख जुनी में मानव शरीर के सिवाय और कोई भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, भगवान का भजन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो मानव शरीर नहीं, कहती है साधन धाम है, और क्या बोले मोक्ष करे द्वारा, बोले ये मानव शरीर नहीं मिला, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं। इसलिए गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, इस तक सब याद कर लेना। कहते एक समय कोई अंधा, कहते वो डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ जिसमें 84 लाख दरवाजा, वो तो डंडा टेकते टेकते जा रहा था लेकिन उसमें एक ही दरवाजा खुला, सारे दरवाजा बंद है, वो डंडा टेकते टेकते कैसे उन्होंने भूल से वो खुला हुआ दरवाजा में अंदर में चला गया, उसको तो दिखता नहीं, फंस गया, अभी निकलना चाहता है लेकिन हाथ लगाता है, दरवाजा कितना है
84 लाख सारे दरवाजा बंद 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 कितना 84 लाख ऐसे करते 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 पता नहीं कितने दिनों के बाद में ये खुला हुआ दरवाजा को पास में आया। अभी वो सोच रहा है सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा ये भी बंद हुआ होगा। इतने में उसकी थोड़ी खुजली बच गई, बस वहीं पर आकर खुजलना शुरू कर दिया। ए खुजलाते खुजलाते दरवाजा खत्म पार, फिर जब हाथ लगाया ना वही बंद दरवाजा। तो गुरु जी ये कथा सुना कर कहते थे कि ये जो जीव है वो भगवान को भूल करके कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख है, अनादि काल से बहिर्मुखता प्राप्त करते हुए कहते जो 84 लाख दरवाजा मतलब 84 लाख योनियों में भटक रहा है। वो अंधा कौन है? वो अंधा हम ही अंधा है, हैं? लेकिन हमने भूल से कहीं से अंदर में चले गए, जब चले गए मतलब भगवान को भूल करके माया में आए, अभी तो निकलना चाहते हैं लेकिन जिस दरवाजा में हाथ लगे बंद, दरवाजा में हाथ लगे बंद बंद मतलब क्या है? कहती है मानव शरीर के सिवाय इसको पहले हमें जो जो जीवन मिला है जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशति है, ऐसे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जन्म मिले सारे दरवाजा बंद ही है। क्यों बंद है? बोले क्योंकि सारे दरवाजा बंद है ना, तो भगवान भजन नहीं कर सकते हैं। मानव जन्म के सिवाय सब बंद है, लेकिन जब ये खुला हुआ दरवाजा मिला और सोचा सारे दरवाजे तो बंद पड़ा, ये थोड़ी खुला होगा ये भी बंद होगा, मतलब उसको जो मानव शरीर मिला सोचा सब तो दरवाजा बंद था ये भी तो बंद होगा, खुजलाना शुरू कर दिया। ए खुजला खुजलाना मतलब क्या? वो पशु पक्षी जीवन में जो जो काम करता था और ये मानव शरीर पा करके फिर वही करना शुरू कर दिया, वही खाना पीना बच्चे जन्म देना उनको बड़ा करके मर जाना है, फिर उसी काम में दो बार लग गया तो जीवन गया, वो जीवन गया है, जीवन गया तो फिर क्या हो गया? फिर वही 84 लाख जन्म में आ गए। इसलिए कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन जिसने ये मानव शरीर को जिसने हैं जिसको भगवत भक्ति राज्य में जो नहीं लगाए बस फिर वही मानव 84 लाख जन्म में फिर भटकते रहो। लेकिन जीवन पाकर क्या करते हैं जीव? यही चार ही काम करके निद्रया रिक्त नक्तम व्यवायन चवा व्यम दिवा च हर तराजन कुटुम्ब भरणवा, वही आहार निद्रा भय मुथन करके जीवन को खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं? कहते तस्मात सर्वात्मना भारत भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कृति तब्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। अगर कोई अभय पाना चाहते हैं क्या करनी चाहिए? उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, उसको स्मरण करनी चाहिए, उनको ये तीन काम करनी चाहिए। बोले किसको करनी चाहिए? बोले तस्मात, तस्मात मतलब अगर ये भवसागर से कोई उधार हो करके पर पार जाना चाहते हैं, मतलब भगवत गति को भगवत धाम को अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरि ईश्वर। इसलिए यहाँ पर बताए कहते ये भक्ति दो तरह का है, कहते एक राग भक्ति और एक वैधि भक्ति है। कहते जो राग भक्ति के लोग हैं किसको भक्ति करते हैं? कहते जो राग मार्ग को भक्ति करने वाले वो श्याम सुंदर मुरली वाले भगवान कृष्ण को जो सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है, है? सड़ ऐश्वर्य क्या किया है? समग्रस ऐश्वर्य जैसे बिरजस्य जसस श्रीय ज्ञान वैराग्य चैव शरणाभिभवम इतिंगना, जिनके अंदर में ये 6 ऐश्वर्य थोड़ी मात्रा में नहीं जिनके अंदर में परिपूर्ण मात्रा में ये 6.5 ऐश्वर्य हो हैं, ऐसे जो कृष्णस्तु जो भगवान स्वयं वो स्वयं भगवान कृष्ण को मुरली वाले और राधा रमन कृष्णकांत राधाकांत जसोदावल जसोदानंदन कृष्ण को राग मार्ग में भजन करने वाले करते हैं। लेकिन जो वैधि भक्ति करते हैं वो किसको? वो ईश्वर को हैं, भगवान को जो ईश्वर जो बुद्धि से भजन करते हैं वो जगत नियंता जगत कर्ता हैं जगन्नाथ, इसलिए उनको उनको भक्ति करते हैं।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं कि जोगी और एक है भक्त और एक है ज्ञानी। कहते भगवान के तीन तरह के भक्त हैं, हाँ बदंती तत्तत्व विदस तत्त्वम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मति भगवान इति शब्द थे। इसलिए कहते जो मोक्षाभिसंधिनी व्यक्ति, जो मोक्षों को चाहते हैं, वो किसको उपासना करते हैं, कहते परमात्मा को। कहते जो है जो वैधि भक्ति में अभय पाना चाहते को हरि को उपासना करते हैं, और जो योगी लोग को श्री परमात्मा को उपासना करते हैं। लेकिन कृतितव्य इच्छता भयम, जो अभय पाना चाहते हैं वो क्या करनी चाहिए, ऐसे भगवान का कीर्तन भजन और स्मरण करनी चाहिए। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् योगिनाम निपनिर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। कहते जो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कहते भगवान को भक्ति करे कैसे, किस रूप में करे, कैसे करे, बोले श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। हाँ नहीं, कहते जोगी नाम निप निर्णितम हरे नामानो कीर्तनम। कहते जितने सारे भक्तियों में, कहते जो चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति, कहते वो कौन सा भक्ति है, कहते भगवान के नाम। इसलिए बोले एतत् निर्विद्यमानानाम, जो संसार से संपूर्ण रूप में निर्विद्य मुक्त है, संपूर्ण रूप संसार से आसक्ति जो शून्य हो गए हैं, और जो अभय पाना चाहते हैं, और जितने सारे योगी, ये सब के सब एक सिद्धांत पर पहुंचे हैं, क्या, बस भगवान की नाम संकीर्तन ही जितने भक्ति में ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये नाम संकीर्तन क्यों ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इसका कारण क्या है। बोले इसका कारण है, कहते जो भगवान का जो नाम है, बोले कालतः पात्र और देश, देश काल और पात्र, कहते ये तीनों अवस्था में भगवान का नाम को कर सकते हैं, हैं? भगवान के नाम के लिए कोई भी पाबंदी नहीं। जैसे जैसे कहते जैसे काल, भगवान ने ये नहीं बताया, देखो केवल दिन में सवेरे समय हरि नाम कर सकता हो, दोपहर में हरि नाम नहीं कर सकते, नहीं तो रात को हरि नाम नहीं कर सकते, नहीं तो वृंदावन का परिक्रमा रात को नहीं दिन में ही लगा सकते हो। कहते भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति के लिए भगवान कुछ भी नहीं बताए हैं, इसलिए किसी समय भी भगवान का नाम को कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं किसी काल में। फिर पात्र, पात्र मतलब भगवान ये नहीं बताए केवल हिंदू ही हरि नाम कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता है, क्रिश्चियन और कोई जाति नहीं कर सकता है, हैं? केवल ब्राह्मण ही भजन कर सकता है, वैश्य और शूद्र क्षत्रिय नहीं कर सकता है, भगवान ये भी नहीं बताए। किसी जाति में क्यों जन्म नहीं ग्रहण करे, हर व्यक्ति का लोग हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए बोले जई कुले के न जन्म ना है केवल भक्ति मूल, एमान की करे वर्ण कुल। बोले किसी जाति में क्यों जन्म क्यों ग्रहण नहीं करे, हर जाति का लोग भगवान की नाम को कर सकते हैं। कहते देशतः, देशतः मतलब ठाकुर जी ये नहीं बताए, देखो जब केवल भारत में रहोगे ना तब भगवान का नाम कर सकते हो, लेकिन जब अमेरिका में जाओगे, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, मेरे नाम को नहीं कर सकता हूँ, ये बात भगवान ने नहीं बताया। इसलिए देश काल और पात्र, कहते ये हर अवस्था में और शुद्धि और अशुद्धि। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृश तव कृपा भगवत नामापि दुर्दैवम इदृश्य मिहा जानी नानुराग। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा, भगवान की अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर। और भक्त मनोहर ठाकुर क्या कहते हैं, हरि नाम तो
अनेक स्वरूप हरि नाम तोआ अनेक स्वरूप जस्वदनंदन आनंदवर्धन नंद तनय रस गोप हरि नाम तोआ अनेक स्वरूप। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हरि नाम तोआ अनेक स्वरूप। कितने ठाकुर का नाम पूरा उन्होंने कीर्तन को ही कीर्तन पूरा कृष्ण का नाम दे करके विभावरित सहसा आलोक प्रवेश। देखो इसमें भी पूरा कृष्ण नाम को दे दे करके फिर जय जसमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसलिए बोले भगवान की है इसलिए नाम नाम कारी बहुधा फिर निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता। कृष्ण जितने सारे शक्ति अपना नाम में दे दिया। इसलिए बोले क्या बोले है क्या उसने बोले हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम अंत में निकला यह परिणाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम जिस सागर को लंग सके ना बिना ही फूल के राम श्री राधे राधे खोद गए हनुमान उसी को खोद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए कहते हैं सारे शक्ति फिर नियमित स्मरणे न काल कोई काल पाबंद कुछ भगवान नहीं रखे। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जितने हैं जितने नाम संकीर्त कखनो अभिजोग करे ना। इसलिए जो भगवान की नाम संकीर्तन करने के लिए कोई भी कोई अभिजोग नहीं किसी अवस्था कभी भी कर सकता हो। और एक श्लोक में बताया ना जिह्वा च वशवर्तिनी क्या श्लोक है सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरक जानति किम आश्चर्य अथ परम। श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है बोले सुलभम भगवत नामम भगवान कहते क्या कहते हैं देखो अगर तुम मेरे नाम लोगे ना तुम पैसा देना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं कोई बोलता है भगवान का नाम लेने कुछ पैसा देना पड़ेगा। बोले सुलभम भगवत नाम फिर जिह्वा च बसवर्तिनी जो जीवा हमारी बस में ही है जीवा को जैसे बोलोगे जीवा वैसे ही करेगा हैं इधर उधर की बात करना बोलो इधर उधर बात करेगा बोलो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा। लेकिन एक तथापि नरकम जानती बड़ा आश्चर्य की बात है इतना सुलभ कर दिया तभी लोग क्या कर रहे हैं तभी लोग नरक जा रहे हैं इससे आश्चर्य क्या हो सकता है इससे आश्चर्य। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते भक्तगण स्वर्ग कामी मोक्ष कामी आत्मा राम योगी को पक्ष में भी हरिनाम कीर्तन है कीर्तन कर सकते हैं उनको भी ये हरिनाम क्या करेगा उनको भी है प्रेम प्रदान करेगा उनको भी भक्ति प्रदान करने वाले ये हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं ऐर मुक्त कुल रूपस्य मानम परित्यक्त हरिनाम संश्रयामी। इसलिए ये मुक्त कुल रूपस्य मानम मुक्त कुल का ये उपास्य भगवान की ये नाम है। कहते यद्यपि नाम को तीन तरह से कर सकते हैं कैसे एक तो मन मन में
एक उपासु और एक उच्च संकीर्तन में। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं लेकिन ये तीनों में भी जो उच्च संकीर्तन जो कीर्तन है कहते ये सर्वश्रेष्ठ है। उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, इसलिए जब हरिदास ठाकुर को बोले हैं, बोले मुसलमान बोले ना क्यों गोसाई हमने सुना हरिनाम को मन मन में करनी चाहिए, तू क्या चिल्ला चिल्ला करके हैं क्या दूसरों को सुना रहे हो, हम इतने बड़े संत बन गए साधु बन गए क्यों चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले इच्छु सर क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोले, बोले तुम ही बताओ एक व्यक्ति कमा करके तो खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन। बोले जो परिवार को खिलाते हैं। कहते उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरि नाम करता है वो उसका ही अपना कल्याण करता है, लेकिन उच्च संकीर्तने क्या होता है पर उपकार करे। बोले जप तो हरि नामानि स्थाने सतगुणाधिको, जो मन मन में हरि नाम करते उसको जो फल मिलेगा जो उच्च स्वर से करते 100 गुण ज्यादा। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं ये कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उच्च स्वर करने से उनको कान में भी हरि नाम पड़ेगा, उनका भी कल्याण है उनका भी। इसलिए यहाँ पर कहते उच्च संकीर्तन में उदाहरण देते हैं श्री नारद जी, भगवान जब उनको देवदत्ताम इमं वीणा, जब रासलीला में राधा रानी अपनी प्रसाद वीणा श्री नारद जी को प्रदान किया, नारद जी क्या कहते हैं, मैं वीणा बजाते बजाते मैं जोर जोर से हरिनाम करते हुए सर्वत्र भ्रमण करता हूँ है, जोर जोशिल नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे, इसलिए राधा रमण नाम पर सर्वत्र हरि नाम करते हुए सर्वत्र में विचरण करता हूँ, सर्वत्र हरि नाम करता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुत चित उच्च है। हरि नाम करते करते यहाँ पर क्या, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे, हरि नाम जोर जोर से करते करते कभी नाच रहे कभी गा रहे कभी हंस रहे कभी लोट बोट उखा रहे हैं, इसलिए भगवत नाम को उच्च स्वर से ज्यादा ज्यादा मंगलमय है। तब इसको बोल करके तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तुम कोई चिंता मत करो, क्योंकि तू ये सोच रहे हो तेरे पास में 7 दिन है, अभी 7 दिन में क्या होगा है, सोच रहे हो ना 7 दिन में क्या होगा, क्योंकि जन्म 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 मुनि जतन कराए अंतराम कहीं आ बतना है, तू सोच रहे हो 7 दिन में क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहते हैं, बोले खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञान तयाता मिहायुस मुहु मुहूर्तात सर्व मुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। तब उन्होंने उदाहरण दिया ये जो खट्वांग और जो राजा थे कहते ये बड़े बलवान राजा थे हैं, ये मरते लोगों में थे, एक समय देवता दैत्य में लड़ाई हुई, लड़ाई होने पर इनकी पराक्रम को देख करके देवता लोग इनको अपना सेनापति पद में नियुक्त किया, लेकिन ये सेनापति पद में नियुक्त होकर कितने बलवान थे, इन्होंने सारे दैत्यों को उन्होंने परास्त करवा दिया, जो परास्त कर दिया सारे देवता प्रसन्न हो गए, बोले वाह क्या पराक्रम, बोला तेरे को क्या चाहिए, तो उन्होंने बोले ये देखो पहले आपसे तो वर लेकर के संसार विषय भोग करूंगा, पहले ये देखो मेरे पास में कितने परमायु, बोले एक मुहूर्त, बोले मेरे परमायु को थोड़ा बढ़ा दोगे, क्योंकि तुमसे वरदान लेकर तो विषय भोग करूंगा ना, थोड़ा बढ़ा दो, बोले नहीं कर सकते, बोले नहीं तो संसार से मुक्ति दिला सकते उद्धार करा सकते हो, बोले वो भी नहीं कर सकते, बोले फिर कुछ नहीं कर सकते हो, परमायु भी बढ़ा नहीं सकते हो, संसार से उद्धार भी नहीं कर सकते हो है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते भैया, इसलिए उन्होंने पूछे फिर किसकी उपासना करने से ये परमायु भी बढ़ सकती है संसार से उद्धार हो सकते, बोले एक तो भगवान कृष्ण ही हरि है, इनके बगैर कोई, इसलिए इनका नाम मुकुंद, मुकुंद मतलब क्या, मुक्ति ददाती जा साहिब मुकुंद, मुक्ति तो केवल मुकुंद ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता है। बोले फिर क्या करना पड़ेगा, एक काम कर सकते हो, बोले क्या, बोले मेरे को ऐसे एक द्रुतगामी विमान दो जो कि मैं जल्दी से जल्दी मरते जगत में जाऊं और भगवान की भजन करते हुए उनकी स्मरण करते हुए संसार से मेरा उद्धार हो जाए। कहते तो उन्होंने एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट हैं, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी उन्होंने इसी मरते जगत में आए, मरते जगत में आकर के कहते एक मुहूर्त के अंदर में उन्होंने
संपूर्ण मन को विषय से हटाए, हटा करके मन को एकाग्र चित्त से भगवान को लगाया, बस उनको भगवत प्राप्ति हो गया। इसलिए कहते भैया तुमको एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति किया है, फिर तो तुम्हारे पास में तो 7-7 दिन तक हैं, पर चिंता क्यों करते हो, कोई चिंता मत करो, बस बैठो और भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो हैं। जब भगवान की भक्ति की बात बताए, भले ये तो केवल भक्ति भक्ति, तब उन्होंने भगवान की हैं, इसलिए कहते जिस समय तुमको पता ये चले, हाँ यहाँ पर वंशावली को, यहाँ पर वंशावलियों को वर्णन किया है, कि जिस समय तुमको मृत्यु आए हैं, जब ये चीज तुमको पता चले जाए ना, उसी समय में क्या करो, ये संसार की आसक्तियों को परित्याग कर दो। परित्याग करते हुए किसी साधु की शरण में जाओ, बाकी से एकांत स्थान में जाकर के ये मन को भगवत चरण में लगाओ, क्योंकि जो संसार है यहाँ पर रहकर भक्ति करना बड़ा कठिन है। कैसे कठिन है, कल आपको एक सुंदर एक स्टोरी सुनाऊंगा जो हमारे गुरु जी सुनाते थे, ये स्टोरी को तुम लोग याद रखना, संसार में कैसे भक्ति होना बड़ा कठिन है, हमारे गुरु जी सुनाया करते थे। वंशा गलभ्य कृपा सिंधु भय पावने भो वैष्णव भो नमन। हाँ हाँ, कल अक्षय तृतीया है, कल हमारे मंदिर में कल हम लोग अक्षय तृतीया ठाकुर जी को चंदन की श्रृंगार करवाएंगे, परसों भी हम 2 दिन करेंगे, कल भी लगाएंगे परसों भी लगाएंगे, नहीं जब बड़े को कल जैसे ठाकुर को लगाएंगे ना, बढ़िया से तो लगा देंगे, ठाकुर को लगा देना संजीव बढ़िया से, लेकिन जो परसों थोड़ी सी फट जाती है, थोड़ा चंदन लेकर के ना उसको जैसे ब्रश में लेकर के पानी में लगा ब्रश में, और उसको थोड़ा पोताई कर देंगे, थोड़ी से जो थोड़ी थोड़ी फट जाती है ना, रात को उसको स्प्रे कर दे रख देना, हाँ नहीं 2 दिन रख लेंगे ठाकुर, इतना कष्ट करेंगे तो इतना 2 दिन, हाँ इसलिए कल भी